ये है नायग्रा फॉल। आए आपको जरा नायग्रा फॉल की सैर कराते हैं। ये वो दरिया है जो कि अमेरिका से कनाडा में गिरता है और इसका नाम है नायग्रा फॉल्स। बहुत नाम सुना होगा आपने, ये वही नायग्रा फॉल्स है जिसका शोर दूर दूर तक सुनाई देता है। और यहाँ पर जब ग्रुप्स आते हैं तो उसमें ख़वातीन भी मौजूद होती हैं, तो उन ख़वातीन से कहा जाता है कि आप थोड़ी देर के लिए ज़रा चुप हो जाएँ ताकि हम इस फॉल के गिरने की आवाज़ सुन सकें। हम इस वक्त अमेरिकन साइड पे हैं, यानी नायग्रा फॉल्स जहाँ पर है हम उसकी अमेरिकन साइड पे हैं। ये नायग्रा फॉल पीछे बह रही, नहीं ये तो ख़वातीन थी, सॉरी। अब दिखाता हूँ आपको ये इन दरख्तों के बाद, इन पौधों के बाद। ये जो आवाज़ आ रही है ऊंची, ये हेलीकॉप्टर्स की है क्योंकि यहाँ पर हेलीकॉप्टर राइड्स भी होती हैं। आप हेलीकॉप्टर राइड लें और इंटरनेशनल फ़्लाइट ये कहलाती है, 10 मिनट की राइड होती है और उस राइड में आप अमेरिकन साइड से कैनेडियन साइड तक होते हुए वापस अमेरिकन साइड पे आते हैं। और आपको वीज़े की भी ज़रूरत नहीं, नो वीज़ा रिक्वायर्ड, पासपोर्ट भी आप ना रखें कोई बात नहीं है। फ़्लाइट लेकिन इंटरनेशनल कहलाती है क्योंकि आप कैनेडा के ऊपर से होकर वापस आते हैं। ये नायग्रा फॉल्स आप देख सकते हैं अभी, ये उस तरफ तो सामने, ये जो है ना, ये तो सामने बेसिकली अमेरिका ही है, ये अमेरिका का ही हिस्सा है। लेकिन जो ये है जगह, ये जो आप टावर देख सकते हैं, ये टावर, ये बिल्डिंग्स, ये सारी कनाडा में है, ये कनाडा के अंदर है। तो ये जो फॉल है नायग्रा फॉल्स, ये जाके ये जो आबशार की सूरत में गिरती है, इसके दाएँ जाने बेसिकली अमेरिका है, यूएसए है, और इसके जो लेफ्ट पे है वो कनाडा है। तो ये देखें आप, अमेजिंग इधर है, खूबसूरत जगह। दुनिया जहाँ से सयाह यहाँ पर आए हुए हैं आप देख सकते हैं, दुनिया का हर कौमियत का शख्स यहाँ पर आपको दिखाई देगा। पाकिस्तानी भी आते हैं, इंडियंस भी आते हैं, जर्मन्स भी आते हैं, नॉर्वेजियंस भी आते हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी आते हैं, ऑस्ट्रियंस भी आते हैं, बेल्जियन भी आते हैं, यहाँ पर हंगेरियन भी आते हैं, यहाँ पर इंडियंस भी आते हैं, साउथ इंडियंस भी आते हैं, और लोग यहाँ से पाकिस्तान से भी आते हैं यहाँ पे मेरी तरह। ये देखें जी आप, ये वो पॉइंट, ये वो जगह जहाँ से बाकायदा ये आबशार बनती है। दिस इज़ द पॉइंट यू सी, ये आबशार है नायग्रा फॉल्स वो पीछे, और ये वाला, ये भी और ये भी, सी ब्यूटीफुल। यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में आते हैं, और यहाँ पर हम तो समझ रहे थे कि सिर्फ लोग आते हैं, यहाँ पर परिंदे भी आए हुए हैं। इनको देखें, इन साहब को, ये यहाँ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखें आप, यहाँ पर फोटोग्राफी हो रही है, वाओ, वो पोजेस दे रहे हैं भाई साहब, कमाल। अब भीगने के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि मेड ऑफ द मिस्ट में अगर बोट राइड लेनी है तो फिर ये यू हैव, ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके आई एम रेडी टू गो इन द मेड ऑफ द मिस्ट। ये पहनना ज़रूरी है, ये प्लास्टिक का, ताकि पानी बहुत ज़्यादा होगा, भीग जाएंगे आप, बहुत ज़्यादा भीगेंगे अगर आप आगे चले जाते हैं। लेकिन जाहिर है इन्जॉय करना है, राइड लेनी है, तो फिर ये देखें जी सारे अमेरिकन साइड से हम जा रहे हैं, सारे नीले 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 आपको यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं, नीला आसमान है और नीले नीले लोग हैं। ओके सो अब हम क्योंकि मेड ऑफ द मिस में हैं, और ये आप देख सकते हैं,
ये अमेरिकन फॉल थी जो हमने आपको दिखाई है, 52 मीटर ऊंची है, 52 मीटर ऊंची है। ये आप देख सकते हैं जो कनाडा से लोग आए थे मेड ऑफ द मिस्ट सैर करने, वो कैनेडियन इस वक्त वापस जा रहे हैं और अब हम जा रहे हैं इस तरफ, ये यहाँ फॉल्स की तरफ, ये कैनेडियन साइड पे है। ये देखें जी, ये कैनेडियन साइड की वाटरफॉल है और यहाँ पर अब पानी आने वाला है बहुत ज़्यादा, मुझे इसको ओढ़ना पड़ेगा और इसको बंद करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। ये है जी मेड ऑफ द मिस्ट। मैं किधर हूँ, मैं इधर हूँ। ये वो आबशार है जिसकी सैर करके हम अभी आ रहे हैं, नायग्रा फॉल्स, ब्यूटीफुल खूबसूरत मनाजिर, तेज़ बहता हुआ पानी, इतना तेज़ कि आपको डर लगे कहीं आपके हाथ से कोई चीज़ स्लिप ना हो जाए, कहीं आप खुद भी स्लिप ना हो जाए। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये जी, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। जो भी यहाँ आए नायग्रा फॉल्स पे, वो मेड ऑफ द मिस्ट को मिस ना करें, मेड ऑफ द मिस्ट को मिस ना करें। वो जिस तरह कहते हैं ना लाहौर में, जिनने लाहौर नहीं वेखिया वो जमिया ही नहीं, जिनने नायग्रा फॉल्स नहीं वेखी वो जन्मिया ही नहीं। नायग्रा फॉल्स वो भी करीब से, ये देखें मेड ऑफ द मिस्ट, डोंट मिस। तो ये वो रेनबो ब्रिज जो हमने आपको ऊपर से दिखाया था, जो ऑब्जर्वेशन डेक है, वो ऑब्जर्वेशन डेक ये रही बहुत ऊपर। अब वही रेनबो ब्रिज आपको हम इस दरिया की सैर करते हुए दिखा रहे हैं। ये वो रेनबो ब्रिज है जहाँ से लोग इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो क्रॉस करते हैं, कैनेडा से अमेरिका, अमेरिका से कैनेडा जाते हैं। अब सीढ़ियाँ चढ़ के तो जाने की हिम्मत नहीं है, जिस तरह लिफ्ट से आए थे यहाँ ऊपर से टैक्स है, इसी तरह आप वापस लिफ्ट से ही जाएंगे। Everybody enjoyed. Okay. I enjoyed too. See you next time. Yeah.